दोस्तों, आज अगर मैं आपसे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा? जाहिर है आपके दिमाग में भूकंप और सुनामी के अलावा शायद ही कोई और नाम याद आए। लेकिन आज मैं आपको दुनिया की सबसे खतरनाक घटनाओं के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सभी हमारे चैनल एंट्रा पेंट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसके साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। नंबर एक, रिवर ऑफ फाइव कलर्स। दोस्तों, क्या आपने पांच रंग बिरंगे पानियों वाली नदी देखी है? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ वो पांच रंगों वाली नदी जो कि कोलंबिया में मौजूद है। जी हाँ, ये सेरेनिया डीला मैग्रेना माउंटेन रेंज में बहने वाली नदी है जो कि यूनिक और नेचुरल फिनोमिना की वजह से पांच रंगों की दिखाई देती है। ये नज़ारा आपको हर साल जुलाई से नवंबर के बीच दिखाई देता है। ये नदी लाल, पीले, हरे, नीले और काले रंग की दिखाई देती है। इतना ही नहीं, ये नदी दुनिया की सबसे सुंदर नदी जानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पांच रंग की नदी। तो दोस्तों, इसकी असलियत मैं आपको बता देता हूँ। इस नदी में लाल रंग के मैकेरेनिया फ्लेग वगैरह नाम के प्लांट्स होते हैं, हरे रंग की एल्गी और पीले रंग की मिट्टी होती है। इन सब चीजों की वजह से इस नदी का रंग ज्यादा रंग बिरंगा दिखाई देता है। यहाँ तक कि इस पानी में तो किसी भी प्रकार के जानवर भी नहीं पाए जाते हैं और ये नदी हमेशा ही साफ सुथरी बनी रहती है। नंबर दो, मूनबोज। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जिसका नाम ही इतना अजीब है वो आखिर होगा क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जो कि पूर्णिमा के दिन यानी कि फुल मून वाली रात को रेनबो के रूप में देखने को मिलता है। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि रात की वजह से इसके सातों कलर इतने साफ नहीं दिखाई देते जितने कि आपको दिन की रोशनी में दिखाई देंगे, मगर ये जो पानी में दिखने वाला नजारा है वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। जी हाँ, इस नजारे को अगर आपने रात के समय देख लिया तो आप यकीनन चौंक जाएंगे कि आखिर इतना अद्भुत नजारा कैसे दिख सकता है। नंबर तीन, लंग फिश। दोस्तों, पानी में रहने वाली मछलियों के बारे में तो हम सभी जानते होंगे और आपने वो मछलियाँ देखी भी होंगी, मगर क्या आपने कभी ऐसी मछलियाँ देखी हैं जो पानी में नहीं बल्कि लैंड एरिया में रहती हैं? जी हाँ, उन मछलियों का नाम है लंग फिश जो कि लैंड एरिया में बड़े ही आराम से सांस लेती हैं। यहाँ तक कि कई सालों तक ये मछलियाँ बिना पानी के जीवित भी रह सकती हैं। और इतना ही नहीं, ये मछलियाँ अपने फेफड़ों का इस्तेमाल करके हवा से सांस लेती हैं। ये मछलियाँ हमारी पृथ्वी पर कई हजार सालों से मौजूद हैं। और तो और, ये मछलियाँ आपको स्पेशली अफ्रीका में देखने को मिल जाएंगी। नंबर चार, पोरोरो का टिडल बोल। दोस्तों, आप चाहे कितने ही बड़े सर्फर क्यों ना हो, मगर साउथ अमेरिका में मौजूद अमेजिंग रिवर में सर्फिंग करना आपकी आखिरी इच्छा हो सकती है, पर कुछ सिरफरे सर्फर अपना बैग सूट पहनकर दुनिया के सबसे लंबी पानी की लहरों पर सर्फिंग करने के लिए आ जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पानी की ऊंची लहरें अकेला खतरा नहीं है, बल्कि शार्क से लेकर खून के प्यासी मछलियाँ भी आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहती हैं। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये जगह बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस हो सकती है, जहाँ आपको अलग अलग खतरों से खेलने का मौका मिलेगा। नंबर पाँच, जेलीफिश लेक। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लेक के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ जेलीफिश नाम की मछली रहती है। जी हाँ, इस मछली का नाम सुनकर तो अच्छे अच्छे सर्फर अपनी सर्फिंग तक छोड़ देते हैं ताकि उन्हें इस खतरनाक जेलीफिश का सामना ना करना पड़े। इस लेक में मौजूद करोड़ों की संख्या में जेलीफिश खुलेआम घूमते नजर आती हैं, जो कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। और शायद यही वजह है कि इस जगह पर स्कूबा डाइवर्स जाना पसंद करते हैं। और इतना ही नहीं, इस जगह पर तो कोई और खतरनाक मछली रहते ही नहीं है, जिसकी वजह से ये जेलीफिश बिंदास होकर अपनी जिंदगी जीती हैं और इस जगह को और ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाली ये जेलीफिश गोल्डन कलर की होती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। और इसी के साथ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।